हेलो फ्रेंड, मैं सना किचन ब्लॉग से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले करेले। करेले के लिए मैं आधा किलो प्याज ले लिए, इसको बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हम लेंगे तेल, इनको गर्म करेंगे। तेल में पहले हमने जो करेले धो के साफ करके जो रख रखे थे वो हम डालेंगे फ्राई होने के लिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो करेले को हम पलट देते हैं, दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से हमें फ्राई करना है। तो हमने करेले आधा किलो ले लिए थे और आधा किलो हमने प्याज ले ली थी, तो हमें थोड़े ही करेले फ्राई करने हैं, निकाल देंगे। फ्राई करेले हमने निकाल लिए हैं, सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। डाल दिए हमने प्याज, प्याज को हम जैसे पकाएंगे प्याज का भरा बनाएंगे, चला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। हमारी प्याज जैसे तो पक चुकी है, तो मसाले डाल देते हैं। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम। सबसे पहले डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर जिसे खटाई भी बोलते हैं, थोड़ी सी हल्दी। अच्छे से चलाएंगे, पानी में डालेंगे। हम इसका करेले का भरवा बना रहे हैं प्याज का। तो हमारी प्याज पक के बिल्कुल तैयार हो गई है, भरवा बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। तो भरेंगे हम करेलों में जो हमने आधे फ्राई करके रख रखे हैं। तो चम्मच की मदद से हम करेले में प्याज का भरवा भर देंगे और धाई की मदद से हम बंद करेंगे जो हमारे भरवा निकले ना। तो ले लेते हैं हम धागा और इसको अच्छे से लपेट देंगे। करेले को लॉक कर देते हैं बिल्कुल, जो हमारी प्याज ना निकले जो हमने भरी थी करेलों में। तो फ्रेंड्स, सारे करेले ऐसे ही भर लेने हैं हमें चम्मच की मदद से और धागे की। तो हमारे सारे करेले भर के तैयार हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, कढ़ाई में तेल डाल देंगे। जो हमारा पहले का तेल बचा हुआ था वही हमने डाल दिया है। तेल हमारा पहले ही गर्म था, तो हम छोड़ेंगे करेले, थोड़े थोड़े और फ्राई करेंगे। पलट देंगे, दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, तो निकाल लेंगे हम। और जो हमारे बचे हुए करेले थे उनको भी हमने डाल दिया है और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। चलिए निकाल लेते हैं इनको भी, हमारे फ्राई हो चुके हैं भरवा करेले। फ्रेंड, जो हमारी प्याज बची हुई थी भरवा वाली वही हमने डाल दी है। मसाला ग्रेवी हमें नहीं बनानी है, सिर्फ यही डालना है हमें। जो हमारे थोड़े बहुत करेले कच्चे रह जाएंगे अंदर से, वो अच्छे से पक जाएंगे इसमें डाल के। हम सारे करेले इसी के अंदर छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने हल्की ग्रेवी बना ली है। सारे करेले डाल दिए हमने इसके अंदर, 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जो थोड़े बहुत कच्चे हैं वो हमारे सारे करेले पक जाएंगे। 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे हम अपने करेले। रख देते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे करेले देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत अच्छे अंदर से कच्चापन था वो सब पक के तैयार हो गए हैं।
तो फ्रेंड हमारे करेले बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।